हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट स्टडी सेंटर। मैं रोहित आपके अपने प्रियर करंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल पर डेली सुबह में करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज 13 जून 2020 और 13 जून 2020 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते थे मैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फेसबुक ग्रुप का लिंक दे दिया है, तो फेसबुक ग्रुप भी आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गोदरेज ग्रुप ने अपना नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया है? तो अभी गोदरेज ग्रुप ने अपना नया MD एंड CEO निसाबा गोदरेज को नियुक्त किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाता है, निसाबा गोदरेज। अब ये गोदरेज ग्रुप के नए MD एंड CEO बन गए हैं। अगर अदर ऑप्शन की डिस्कस करें, उदय कोटक, ये कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO हैं। ये किसके? कोटक महिंद्रा बैंक के। और ये CII के नए अध्यक्ष बने हैं। अब बात आती है CII, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। क्या होती है? काउंसिल ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसके ये नए अध्यक्ष बने, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। और संदीप प्रधान की बात करें, संदीप प्रधान ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि SAI के अध्यक्ष हैं। और इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो इनका भी अपना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत सरकार ने बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो अभी भारत सरकार ने बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में GRSE ने किसे ICGS कनकलता बरुआ तोप सौंपा है? तो अभी GRSE ने ICGS कनकलता बरुआ तोप भारतीय तटरक्षक बल को सौंपा है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाता है, GRSE। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। क्या होती है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम पे कृष्ण स्वामी नटराजन है। कौन है? कृष्ण स्वामी नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो अभी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है और इसके अनुसार MIT टॉप पे है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाता है, MIT इस लिस्ट में टॉप पे है। ये टॉप 500 यूनिवर्सिटी का एक लिस्ट जारी किया गया है जिसमें इंडिया की 8 यूनिवर्सिटी शामिल है, जिसमें से IIT बॉम्बे इंडिया में फर्स्ट नंबर पे है और ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 172 नंबर पे है। कितने नंबर पे? 172 नंबर पे। अब ये तो फर्स्ट नंबर पे रहा है, तो सेकेंड पे कौन है? तो सेकेंड पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और थर्ड नंबर पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में नाडा ने बास्केटबॉल खिलाड़ी अमृतपाल सिंह और बॉक्सर नीरज फोगाट पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो अभी नाडा ने बास्केटबॉल खिलाड़ी अमृतपाल सिंह और बॉक्सर नीरज फोगाट पर 4 साल का बैन लगाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाता है। अच्छा, ये बैन लगाया क्यों है? तो अभी नाडा ने डोपिंग टेस्ट में फेल होने के चलते इन दोनों खिलाड़ियों पर 4 साल का बैन लगा दिया है, जिसमें अमृतपाल सिंह ये बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और नीरज फोगाट ये बॉक्सर हैं। अब बात आती है नाडा की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या होती है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 24 नवंबर
2005 को हुई थी। कब हुई थी? 24 नवंबर 2005 को हुई थी। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष किरण रिजिजू हैं। और नाडा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी हैं। कौन है? सुनील शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो अभी पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने वाली पहली महिला कैथी सुलेवान बनी है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाता है। कैथी सुलेवान ये अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली अमेरिकी महिला है और ये पृथ्वी के सबसे गहरे मेरियाना ट्रेंच में 7 मील नीचे चैलेंजर द्वीप को छुआ है। चैलेंजर द्वीप ये दुनिया का सबसे गहरा द्वीप है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि चीन की मानव रहित पनडुब्बी जिसका नाम है हेदाउवन, इसने दुनिया के सबसे गहरे बिंदु पर गोता लगाया था। और अगर ऑप्शन की डिस्कस करें तो क्रिस्टीना कोच ये नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं और ये अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिनों तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। और ये कितने दिनों तक रही हैं? तो 328 दिनों तक रही हैं। और मो ओब्रायन की बात करें तो ये अटलांटिक महासागर को पार करने वाली प्रथम महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 523 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और उसके अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 523 से बढ़कर 674 हो गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाता है। और ये लगभग 29% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे उड़ीसा हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो अभी सावित्री राठौर को उड़ीसा हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगर अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जावेद इकबाल वानी को जम्मू कश्मीर का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। फागु चौहान ये बिहार हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं। अब ये तो उड़ीसा के नियुक्त हुए हैं, तो मैप में देखते हैं उड़ीसा कहाँ है। ये है मैप में उड़ीसा, जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ये है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक हैं। और नवीन पटनायक से क्वेश्चन आता है कि पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से किसे सम्मानित किया था? तो पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवीन पटनायक को सम्मानित किया था। और ये पेटा क्या है? तो जानवरों के हितों के लिए कार्य करने वाली एक संस्था है। और उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। और उड़ीसा ने बंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया था। और चिल्का लेक उड़ीसा में और ये भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है। और उड़ीसा में ह्यूलर द्वीप और इसका नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाता है। अब ये पोर्टल वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है कर्मभूमि। तो मैप में देखते हैं वेस्ट बंगाल को। ये मैप में वेस्ट बंगाल जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। क्या है? कोलकाता। और वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी है और वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनगढ़ है। कौन है? जगदीप धनगढ़। और वेस्ट बंगाल ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया था और मातृ स्मृति योजना वेस्ट बंगाल ने ही शुरू की थी। और स्नेहर पुरुष और प्रचेष्टा योजना वेस्ट बंगाल ने शुरू किया था। और कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को जल जीवन मिशन के लिए 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाता है। और अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो बिहार गवर्नमेंट को 1832 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी जल जीवन मिशन के तहत। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी। और अब मध्य प्रदेश को 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। और ये जल जीवन मिशन क्या है? तो जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है। अब ये
मध्य प्रदेश को दी गई है मंजूरी। तो मैप में देखते हैं मध्य प्रदेश कहाँ है। ये है मैप में मध्य प्रदेश जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान है, और मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन है। और मध्य प्रदेश ने जीवन अमृत योजना शुरू की थी, और जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश ने ही शुरू की थी। श्रम सिद्धि अभियान मध्य प्रदेश ने ही शुरू किया था। मध्य प्रदेश की पुलिस ने FIR आपके द्वारा योजना शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने BS6 वाहनों पर किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य किया है। तो अभी केंद्र सरकार ने BS6 वाहनों पर हरे रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाता है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने 5 तक के सभी छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। अभी ये निर्णय कर्नाटक गवर्नमेंट ने लिया है। तो मैप में देखते हैं कर्नाटक को। ये है मैप में कर्नाटक जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर है, और कर्नाटक के CM BS येदियुरप्पा हैं, और कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला है। कौन है? वजुभाई वाला। और कर्नाटक ने जन सेवक योजना शुरू किए थे, और नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान कर्नाटक ने ही शुरू किया था। और कर्नाटक में इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे कि बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, अंशी नेशनल पार्क कर्नाटक में है, वेनरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक में है। और कर्नाटक के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो ये है महाराष्ट्र, ये है गोवा, ये है तेलंगाना, ये है आंध्र प्रदेश, और ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये है केरल, और ये है तमिलनाडु। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी फेसबुक ग्रुप का लिंक दे दिया है, तो फेसबुक ग्रुप आप जाके ज्वाइन